الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين बसमल रहीकूम वक् मुझे उम्मीद है आप सब खैर वाफ़्फ़ से होंगे हम सबको अपनी आफ़ियत में खैर में भलाई में रखे और उन आमाल की तोफ़ी अदा कर दे जो व तआला को पसंद हो और जैसे व तआला राजी हो अल्लाहुम्मा आमीन इंशाल्लाह क्लास का आकाज दुआ से करते हैं अला अल्लास करीम बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا वजमा अल्लाह वफिक ना तो अल्लाह वसलम अला नबीना महमद वबारक वसलम उम्मीद है कि आपका अभी अच्छा गुजरा होगा अल्लाह तै आफियत में खैर में भलाई में रखे चलिए इन शह आने से पहले आप सब ने अपनी नीयतों का जायज़ा लिया होगा ना चलिए अपनी नीयतों को दोबारा रिवॉवल करते हैं जब तक कोई काम अल्लाह तालिज ना हो तो बात नहीं बनती न अल्लाह वो काम मरदूद हो जाता है रिजेक्ट किया जाता है ना तो जरूरी है कि मैं और आप अपनी नियतों को खालिज करें अपने चलिए इनशा आज हम अपनी बुक को देखेंगे जो कि हमारी बहुत खूबसूरत बुक है और इमान है जन्नत की कुंजियां हैं इसके अंदर वो काम बताए गए जिनके जरिए से आप अल्लाह सुबह की रहमत जन्नत को पा सकते हैं ना तो इनशाला हम उन कामों को देखेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें अमल की तोहफे का अता कर दे ठीक है इनशाला तो आज जो इनशाला हम देखेंगे वो कौन से काम है जो आपको इनशाला जन्नत की डोर को ओपन करने में मददगार साबित होंगे वो है शिरक से इजतनाब और अरकान इस्लाम पर मजबूती से अमल करना इसके बारे में रिवायत आती है मास बिन जबल रदी से मरवी है कुन तो मान नबी सल्लाम फीसन करीबन मिन हूँ वह नहनु नसी Dad. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني يدخلني الجنة ويبعدني عن النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتهج البيت ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير صوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المداج, المداج يد حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده ذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك ببلاء بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لا مؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلت ك امك يا معاذ وهل يعقوب بن اسف النار الا وجوههم او الا مناخرهم الا حصائد السنتهم मैंने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे अल्लाह हु अकबर और मुझे आतिश जहन्नम से दूर कर दे सुनिए कौन सा अमल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उन्हें बहुत बड़ी बात के मुतालिक सवाल किया है और बिला शुबा ये ऐसे शख्स के लिए निहायत आसान है जिसे अल्लाह ताला तौफीक दे यहाँ पे बैठ के दुआ कीजिए अल्लाह ताला तू हमें तौफीक दे दे अल्लाहुम्मा आमीन तू अल्लाह की इबादत कर नंबर वन कि उसके साथ किसी को शरीक ठहरा नंबर टू नमाज कम कर नंबर थ्री जक़ात अदा कर नंबर फोर रमजान के नो रोजे रख और नंबर फाइव बैतुल्ला का हज कर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें खैर के दरवाजों के मुतालिक ना बताऊ ढाल है सबका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है। जैसे पानी आग को, देता है। और का को नफल अदा करना तलावत फरमाई की उनके पहलू अपने बिस्तरों से दूर रहते हैं जुनूब अनिल मदाजी ठीक है ये ये, ये आयत तिलावत की सुर अली सजदा की है याद आपने या मलुना तक तिलावत फरमाई इसके बाद आप सलाह अल्लाह हु अली ने फरमाया क्या मैं तुम्हें सारे मामले की बुनियाद उसके सुतून और उसकी चोटी के मुतलक ना बताऊं मैंने अर्ज किया जरूर ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मामले की बुनियाद और असल इस्लाम है और इसका सुतून नमाज है और इसकी चोटी जिहाद है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जिस पे सारी अमाल मदार है अल्लाह जो, 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 भी आप अमल करते है ना सारी अमाल का दारो मदार जिसे कहा जाए इस अमल पर है जो आपको बताया जा रहा है मैंने अर्ज किया क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपने अपनी जबान मुबारक को पकड़ लिया और फरमाया इसे थाम कर रखो मैंने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल भला जो हम अपनी जबानों से बातें करते हैं क्या उन पर भी मुआवजा होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए माँग, तेरी माँ तुझे गुम पाए ये जैसे एक महावरा होता है ना अरबी का अरबी का एक महावरा जैसे बेवकूफ़ी के लिए आता है कि तेरी माँ तुझे गुम पाए लोगों को दो में चेहरों और नतनों के बल गिराने वाली उनकी जबान की कटी हुई बातें ही तो होंगी अल्लाह जहां अल्लाह के नबी ने बता दिया कि जो पिलर ऑफ इस्लाम के हवाले से बता दिया फिर सुतून क्या है जरा क्या है रास क्या है सब कुछ बता दिया ना और फिर ये भी बता दिया कि खैर के दरवाजे क्या है ना वो भी सारे काम जो है, है, है आधी रात को नवल पढ़ना है और फिर साथ ही बता दिया ना कि वो सारे मामले जिनके उसका सुतून क्या है उसकी चोटी क्या है ना तो सब कुछ बताने के बाद एक जो अहम बात बताई कि इन यानी, आ, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल ना बताऊं जिस पर सारे अमाल मदार है नगर में दरवाजे बन जाएंगे और अगर आप इसको शर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यही जबान जो है इंसान को जहनुमे ले जाने का जरिया बन जाएगी अल्लाह तुझे और आपको इनकम इस हदीज़ पर अमल की तोफीक अदा कर दे और जो खासकर जबान की तरफ शारा किया जा रहा है कि अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें ना वरना यही जबान इंसान को जहनु में ले जाने का बायस बन जाएगी अल्लाह सुबहाना बताला मुझे और आपको अपनी जबान को सही इस्तेमाल करने वाला बना दे अल्लाहुम्मा मामी इसी तरह देखिए दीनी करने के लिए निकलना अबूअल ने फरमा जो शख्स इलम हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चला अल्लाह ते उसके, उसके बदले की ज... उसके बदले जन्नत की जानब रास्ता आसान बना देंगे आज अब इलम के लिए यहाँ बैठे इनशा ना इलम का रास्ता है ना आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को देख रहे ना तो इनशा जब आप हासिल करने के लिए कोई किसी भी रास्ते पर चलते हैं चाहे अपने कामों को छोड़कर जूम पर आके बैठे इनशा अल्लाह ताला इसकी बदौलत इसके बदले मेरे और आपके लिए अपनी रहमत से जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे और हम में से हर कोई जन्नत में जाना चाहता है ना हर कोई जिसे कहा जाए दुनिया में भेजा ही इसीलिए गया है आपको याद है आदमी को जब अल्लाह तला ने जन्नत से निकाल दुनिया में भेजा तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारे पास मेरी आयात आएंगी तो जो कोई उन आयात पर अमल करेगा और तो और आप क्यों बैठे हैं अपनी उस घर को पाने के लिए उस जन्नत की अल्लाह की रहमत को पाने के लिए अल्लाह दीदार को पाने के लिए उसकी रजा को चाहने के लिए ना तो जरूरी है कि जब कभी इलम की महफिल में बैठे ये सोच के साथ बैठे कि इसके साथ ही मेरे लिए जन्नत का रास्ता अल्लाह ताला अपनी रहमत से आसान कर देंगे के लिए निकलने की फजीलत में एक और हदीस भी आती है कि जो शख्स अपने घर से सिर्फ तलब इलम के लिए निकलता है यानी इलम को तलब करने के लिए उसके लिए फरिश्ते अपने पर बिछा देते अल्लाह अकबर इमेजिनेशन में लाइए कैसे पर बिछे में उनके के ना ये भी सही हदीस है एक और हदीस में आता है जो शख्स सुबह के वक्त मस्जिद की तरफ गया और उसका इरादा क्या था सिर्फ कोई खैर उ का, का काम सीखना या सिखाना था तो उसे मुकमल हज करने वाले के बराबर अजर मिलेगा कितनी कितनी ज्यादा खुशखबरी है इल्म वालों के लिए ना कहा ये कि आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरिश्ते अपने पर बेचारे साथ ही अलहमदुल्ला आप कोई भी खैर भलाई की चीज सीखने के लिए सिखाने के लिए जाते हैं मस्जिद तो आपको मुकम्मल हज को अदा करने के बराबर अजर मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि आपका हज अदा हो जाएगा नहीं इसका मतलब है इसके बराबर अजर मिलेगा वाजी रहे कि जिस जिस रिवायत में आता है ना कि अक्सर लोग कहते हैं आपने लोगों से जब कभी बात करते होंगे तो लोग अक्सर कहते हैं तलबे, इल्म के लिए चीन तक जाने का जिक्र है यात्रा की वो जो हदीस है वो मौदू है खुद से बना दी गई है मन घड़क है वो बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही नहीं लोगों ने खुद से मन घड़क बना कर और इस तरह से लोगों जिसे कहा जाए अल्लाह के नबी पर झूठ बांधता है ना अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, की हदीस का सफ आता है ना कि जिसने मे, मेरे ऊपर तो इस तरह की, की चीजें हासिल करो चाहे तुम्हें चीनी क्यों ना जाना पड़ेगी बिल्कुल मौदू है मन घटा के इसकी कोई दलील नहीं है तो असल बात है कि इल्म हासिल करना है जहां से भी आपको सही कुरान सुन्नत का जिसे कहा जाए इल्म मिले इसी तरह लास्ट में एक और चीज देख लेंगे और वो है गुस्सा ना करना अबी है कि एक ने रसूल ल्लाह अर्ज किया मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे हम सब भी चाहते हैं ना कि हमें ऐसा अमल पता चल जाए कि जिसमे मेरी और आपकी निजात हो जाए और जन्नत में दाखिला मिल जाए आप सल्लाह ने फरमाया कर तुझे जन्नत मिल जाएगी आज हमारे यहाँ आज इतनी तेजी के साथ जो पेशेंट का लेवल है वो कितना टॉलरेंस का लेवल कितना लो होता जा रहा है हर इंसान इतना मैकेनिकल है कि ना रिश्तों को सही से हम निभा पा रहे ना अल्लाह की सही कर पा रहे और जब हम सब चीजों के अंदर ओवरवेलम होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फर्स्टेशन निकल ही रही है ना चाहे वो बच्चों पे निकले हस्बैंड पे निकले घर वालों पे निकले या खुद हम अपने ऊपर जिसे कहा जाए नाराज होते हैं तो बात वही है कि जब आप कोई ये पता चलेगा ना कल गुस्सा ना करो तुझे जन्नत मिल जाएगी तो असल बात है कि जो गुस्सा है ना ये दरअसल इंसान को वो चीजें बात गुस्से की वजह से अपने मुंह से निकालते हैं जो तो अल्लाह ताला को नाराज करती है ना तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए जितना गुस्सा कंट्रोल करेंगी इनशा इनशाजीम अल्लाह की रहमत से जन्नत मिलेगी तो आज किस कदर जिसे काजल जाए ये हदीस को आम करने की जरूरत है छोटी छोटी बातों पे बच्चे गुस्सा करते हैं घर वाले गुस्सा कर रहे हैं पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं भाई भाई, भाई, भाई बहन के साथ गुस्सा कर रहे हैं लेकिन जब पता चले कि इतना अजर है और जन्नत का सौदा कोई मामूली सौदा तो नहीं है ना अल्लाह अकबर इसी तरह देखिए माजी अल्लाह से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लाह सल वसलम ने फरमाया من قزم غيزا وهو قادر على أن ينفذه دعو الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء جسن غصة بيليا لیا اور وہ يعني نافس غصة نکالنے پر بھی قادر تھا یعنی وہ نکال سکتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے غصة کو پی لیا تو تعالیٰ کیا کریں گے اسے روز تمام مخلوقات کے سامنے बुलाएंगे जितनी भी मखलूकत है अल्लाह अकबर हम तो सिर्फ इंसानों को ही नहीं जानते तो कहेंगे अल्ला तो अल्लाह तमाम मखलुकात, मखलुकात के सामने बुलाएंगे। कि उसे से जिसे चाहे पसंद कर लेने का इख्तियार देंगे अल्लाह अकबर में सोचे थे कितना कुछ पता है लेकिन इसके बावजूद इंसान गुस्से को, को नहीं पी पाता ना क्योंकि बाज सही होते हैं जैसे अगर बच्चे ने कोई गलत काम किया आप उसको तंभी के लिए गुस्सा सही होता लेकिन इसके बावजूद आपने बल्कि और अच्छे तरीके से, तो तो से मतलब तो इनशाला कल यही अमल आपके लिए तमाम मखलूक के सामने अलहमद लाज क्यामत के दिन अल्लाह तैसे बुलाएंगे के उसे हो में से जिसे चाहे पसंद कर लेने का इख्तियार देंगे बस अल्लाह मुझे और आपको अपने गुस्से को पीने वाला बनाए वैसे तो अल्लाह ही की तोफीक से होता है लेकिन इंशाल्लाह दुआ इंशाल्लाह मांगी जा सकती है ना कि खूब खूब नुआ मांगिए ऐसे शख्स को असल पहलवान कहा जाता है हमारे यहाँ जो रेसलिंग करते हैं ना और आप देखिए किसको पहलवान कहा था जो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो जो बदतमीज हो जो फट से जवाब देने में जिसे कहा जाए बी कॉन्फिडेंट हो आज देखिए यही तो है जो जितना दबता है उसको और दबाया जाता है और जो जितना ज्यादा भीम जिसे कहा जाए अपनी जबान को खोलता है उसको लोग समझते हैं हाउस ही और शी स्मार्ट राइट तो असल बात है असल पहलवान नहीं है जो अपने जो जिस जो उसको नहीं करार दिया गया जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है याद रखिए ऐसे शख्स को असल पहलवान करार दिया गया जो अपने गुस्से पर काबू पाता है ठीक है ये है पहलवान अगर किसी का गुस्सा आ जाए तो गुस्सा दूर करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीके बताए नंबर वन जैसे गुस्सा आया है जिसको गुस्सा आया वो खड़ा है तो बैठ जाए इस तरह करने से अगर गुस्सा दूर हो जाए तो ठीक है वरना क्या करे लेट जाए या फिर क्या करे अजिल्ला पढ़ ले जैसे कि हदीस में है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी एक दूसरे को

जी अल्हम्दुलिल्लाह याद रहे कि जिस रिवायत में देखे गुस्सा शैतान की तरफ से शैतान आग से पैदा किया गया और आग को सिर्फ पानी के साथ ही बचाया जाता है तो में से जैसे गुस्सा है वो कर ले ये जईीफ हदीस है ठीक है जब दईफ़ है तो हमारे लिए काबिल हजरत नहीं है ना तो कहने का मकसद है ये अब दाऊद की हदीस है जो कि तईफ़ है तो अक्सर हम कहते हैं ना शैतान की तरफ से गुस्सा वो आँख से है और आग को पानी के साथ बचाया जाता है लिहाजा जिसको गु़स्सा है तो फिर वो वो कर ले तो फिर जिसे कहा जाए ये सुन्नत से नहीं है सबित ये गईव है आपको जो अमल बताए जा रहे हैं वो क्या है जो मैंने इनशाला हम यहीं तक रखेंगे आपने जो करना है गुस्से के वक्त अगर खड़े हैं तो बैठना है बैठने हैं तो लेट जाए और फिर तब पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको जन्नत की जो खुशखबरी दी जा रही है वो उनको यकीन में लाते हुए इनशाला कोशिश करें कि अमल करें ठीक है ना गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें अल्लाह सुबह वात हम सब के जिसे कहा जाए मतलब हमें इतनी तोफीक दे कि हम वाकई इन अहदीस पर अमल कर सकें जजाक इनशा हम मूवन हो जाएंगे लेकर आयात में इनशात टू -टू करेंगे ठीक है तो इनशाला आपने क्या करना है इनशाला एवरी वीक टू टू आयात को आपने मेमोराइज करना है आपको पता है ना थोड़ा सा इन आयात के हवाले से मैं आपको बता दू इनशाला पहले इसका लफजी तर्जुमा देखते हैं फिर इसकी इसकी जिसे कहा जाए इसकी रेसिटेशन एंड बहुत मैं आपको इसकी तफसीर करूंगी ताकि जब आप इनको देखें तो आप इस यकीन के साथ इसको मेमोराइज करेंगे कितनी पावरफुल आयात है ना तो इनशाला इनशाला पहले इसका लफजी तर्जुमा देखते हैं

हुआ अला जूनू बिहिम और अपने पहलुओं पर या करू ना और वो गौर वफिक्र करते हैं फ़ी खलकी तखलीक में असमती आसमान वल अरुदी और जमीन की रबाना ए हमारे रबमा खलकता नहीं पैदा किया ता तूने हाज़ा ये सब बातिला भी मकसद सुबह का पाक है तू फकीना बस बचा हमें अजाब नारे आमीन okay. बहुत खूबसूरत दुआ इनशा पहले इसकी रेसीटेशन देखते हैं और फिर उसके बाद इनशाला थोड़ी सी तफसर ताकि जब आप इसको याद करें तो इनशा आपके फेहम हो कि आप सबने खोला सब है आयत नंबर कीजिए किस, किस ने खोला है ताकि आप साथ, -साथ पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक आपकी ये ड्यू है इनशाला गुड माशाल्लाह <laughs> बाकी बहनों नहीं याद करने का इरादा कर हमारी मंडे क्लास में लोगों ने कहा था ना कि हम करेंगे तो बाकी बहनों को बुला लीजिए हो सकता है कि वो नहीं देख पा रही है मैसेज सच तो चलिए जजाक अल्लाह खैर इंशाल्लाह सूरह आलि इमरान आयत नंबर 190 एंड 191 अऊजू बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياماً. وعلى على جنوبهم الذين يذكرون الله قياما ردوا على جنوبهم وعلى جنوبهم ويتحركون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها هذا باطلا ربنا ما خلقتها هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار रब्बिल आलमीन मुझे उम्मीद है कि आपके साथ साथ क्या होगा ये दो आयात आपकी इन शह होमवर्क में है बहुत खूबसूरत आयात है आयशा रदी अल्लाहन्हा की रिवायत है इसकी शान नजूल में हदीस आती मैं आपके सामने ही रख दूँ इनशा आयशा अल्लाहु रदियाल्ला की रिवायत है की एक रात मेरी बारी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए मेरे साथ सोए तो मुझसे फरमाने लगे आयशा मैं अपने रब की कुछ इबादत करना चाहता हूँ मुझे जाने दो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब चाहती हूँ और ये भी मेरी चाहत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की इबादत करें अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और एक मुश्क में से पानी लेकर हल्का सा वुदू किया और नमाज के लिए खड़े हुए फिर जो रोना शुरू किया तो इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई फिर सजदे में गए और इस कदर रोए के जमीन तर फिर करवट के बल लेट गए और रोते ही रहे यहां तक अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम जो कि आप सच्चे रसूल हैं आप क्यों रो रहे हैं अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले सारे को माफ़ कर दिए है आप सल्लल्लाहु والله سلام ने फरमाया, बिलाल, मैं क्यों ना हूँ? मुझ पर आज रात ये आया है इन दरी है। के समावादी वल अर्दी, वक्त लाफ़े लेली वन नहारी लायाती उल अलबाब। अफसोस है उस शख्स पर, जो उसे पढ़े और उसमें गौरों फिक्र ना करे। ये तफसीर अपने कसीर की रिवायत है। आप सोचिए कि जब ये आयात नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या थी आप देखिए आप किस तरह से आप जिसे कहा जाए जा खड़े क्याम में रो रहे हैं सज्ते में रो रहे हैं जिसे कहा जाए जा इतना ज्यादा रो रहे हैं कि आप जिसे कहा जाए करवट के बल रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक गई क्यों क्योंकि आपको पता था ना ये कलाम ये आयात ये जो कौनी आयात है कि कैसे अल्लाह की जो कायनात में फैली निशानियाँ हैं इन नाफेल के समा वर्द वा अल्लाह अकबर आप सोचिए ना कि कैसे ये जो अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी आसमान और ज़मीन और जो आसमान और जमीन के साथ साथ जो भी अल्हम्दुलिल्लाह रात और दिन के जो बदलना है चेंज होकर आना इसमें किसके लिए निशानी है अक्लमंदों के लिए निशानी और आपको अफसोस आप, आप कहते हैं कि अफसोस है उस शख्स पर जो से पढ़े और उस पर फ़ौर वफिक ना करे तो यहाँ पे लर्निंग की क्या बात है जब भी कायनात में कभी भी आप देखें आसमान को जमीन को अल्लाह की किसी भी क्रिएशन को उस पर गौरव फिक्र करें रात और दिन पर गौर फिक्र करें कि ये रात के बाद दिन क्यों आता है दिन के बाद रात क्यों क्यों आती है दिन छोटे हो जाते हैं इतनी बड़ी क्यों हो जाती है आसमान पर गौरव फिक्र कीजिए और इस आयात पर इस हदीस पर अमल करने की कोशिश कीजिए फिर सोचिए कि अल्लाह ने किसी चीज को बातल नहीं पैदा किया ना हर चीज मकसद के तहत बनी है ना अल्लाह बस दुआ कीजिए कि वाकई हमें और आप बेहतरीन अंदाज से इन आयात पर गौर गौरव फिक्र करने वाले बन जाए ना, तो आप देखिए पहली जो इससे पहले की जो आयात है ना उसमें था जो कि थोड़ा सा इसका अगर आप सम, समझेंगे तो बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी जिससे पहले की आयत आयत नंबर वन नाइनटी से पहले में येूद की जो एक नियत है ना उनकी जो बद है और अल्लाह ताला के साथ उनका मजाक का बयान है ना हती कि उन्होंने अल्लाह ताला को बिल्ला फ़कीर कहा था तो आने वाली आयतों में उन्हें और तमाम इंसानों को बताया जा रहा है कि अल्लाह तो सब का रब है वो तो खालिक है वो तो मालिक है वो ही महबूद है हर चीज उसके कब्जे कुदरत में और हर चीज उसके तसरफ में वो जैसे चाहता है तबदीली लाता है वो फ़कीर क्यों कर हो सकता है वो कैसे फकीर है क्योंकि यहूद ने कहा था ना कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए तो इन पर तो लानत कि कि अल्लाह अल्लाह ताला अब हमसे हमसे मांग रहा है, हम कह रहा है है कह कौन जो के रास्ते में कर्ज हंसा न देगा तो कहने का मकसद है वो खुद फकर है आसमान और जमीन की पैदाइश में ही और रातों दिन के बदल बदल कर आने जाने में अल्लाह सुबहान बता की तोहिद और उसकी असमत उसकी किबरियाई की निशानियाँ हैं जो खाले के वजूद पर दलालत करती है कि इस कायनात का कोई ना कोई कैना अल्लाह कायनात पर गौर विकर करने से आप देखे खाले की मोहब्बत इंसान के दिल में पैदा होती है अक्सर हम देखें क्यों अल्लाह की नाफरमानी करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अल्लाह की मोहब्बत में कमी है उसकी मार्फत में उसकी किबरियाई में उसकी अजमत में तो याद रखिए खाले के जब में और आप जो अल्लाह तला का मुतालबा है कि हम अल्लाह के बंदे बने तो जब आप कायनात पर गौर फिक्र करती हैं तो आपकी तबीयत माइल होती है इस चीज़ की तरफ कि आप अल्लाह के अहकाम को फुलफ़िल करें अब फिर देखिए कि खालक का जो खौफ होता है ना और जब उसकी खशियत दिल में आती है तो फिर आप मज़ीद अल्लाह की कायन पर ग़ौर विक्र से ये चीज़ें पैदा होती हैं और फिर इंसान अपने रब की तरफ रजू करता है इंसान अल्लाह की याद और उसकी इबादत की तरफ तोज्जो करता है इसी कहा लाया तिल उली अलबाब अक़ल के लिए बहुत सी निशानियाँ अक्लमंद कौन होते हैं जो कायनात पर गौर विकर करते हैं वो लोग हैं जो गौरव फिकर के जरिए से अपने रब को पहचान जाते हैं आज भी देखिए कितने लोग हैं बस लोग जिसे कहा जाए कुरान की आयत सुनकर जिसे कहा जाए दीन की तरफ आते हैं ना और सही शऊरी दीन की तरफ आते हैं बहुत से रिवर्ट को देखे कुरान की आयत को जब उनको उनके सामने आती है तो उनको लगता है इनकी दिल की पुकार है लेकिन कितने लोग हैं जो कायनात पर गौर विक्र करके भी अपने रब को पहचान लेते हैं उसकी मार को जान लेते हैं ना तो असल बात है कि आसमान और ज़मीन की गौर करने वालों के लिए कायूद है। करते हैं तो नतीजे में कायत का निजाम और इसको चलाने वाला और इसकी तदबीर करने वाला इसका इंतजाम करने वाला वही एक अल्लाह सुबहाना वात है ना तो याद रखिए कायनात पर जब मैं और आप गौर विक्र करते हैं यानी कायनात पर गौर फिर करने से बहुत से सबक मिलते हैं याद रखिए उसमें से एक ये है कि जैसे जैसे अगर आप जमीन में जैसे आपको देती हूं तो बात ज्यादा समझ आएगी एक छोटा सा या छोटा सा बीज जमीन में डाला जाए तो आप देखिए वो कैसे अल्लाह के जिन से फल लेकर आता है ना कैसे मुमकिन है कोई इंसान निकी की जिंदगी गुजारे और उसकी कारगुजारी का कोई फल ना उसने जो पूरी जिंदगी उसका कोई नतीजा ना हो आप निकी करेंगे याद रखिए आगाज के साथ अपने को है। ऐसा नहीं हो सकता आज आप निकी की जिंदगी गुजारें और उसका कोई एंड रिजल्ट ना हो कियने कायनात अल्लाह तला ने नहीं बनाई है ये एक अंजाम के तहत खत्म होगी हर रात के बाद जैसे दिन आता है और हर दिन के बाद रात आती है इसी तरह आप देखे, हर मुश्किल के बाद आसानी है हर मुश्किल के साथ आसानी आती है ना हर याद जाकि एक मुश्किल आती है ना उसके साथ आपको दो आसानियां मिलेंगी हम्म आई उससे ही तो जिस तरह दिन के बाद रात रात के बाद दिन इसी तरह दुनिया की मुश्किल के बाद फिर अल्लाह की रहमत से आखरत में हम सबको आसानी मिलेगी ना दुनिया की जिंदगी की आसानियों के बाद आखरत में मुश्किल आ सकती हैं आज अगर हम रिलैक्स होके बैठे रहे और दुनिया की आसानियों को ले लिया और ऐश और इशरत के साथ जिंदगी गुजार ली अल्लाह की नाफरमानियों के साथ जिंदगी गुजार ली ख्वाहिशात पर चलते हुए जिंदगी गुजार ली जो दिल चाह जैसे चाहो मस्ती करो आज आप देखे ना अगर आप कभी एड्स uh, को देखा कीजिए जो बोर्ड्स जो पे लगाए जाते हैं जैसे चाह जियो ओह खूब मजे करो ऐश इशरत ना कैसे ऐसे कोई भी ड्रिंक का एड देख लीजिए कोई भी खाने का एड देखिए फटी रहती है जैसे लगता है कि बस यही मजा है यही लज्जत है इसके बाद तो कोई जिंदगी नहीं अगर इसको नहीं एंजॉय किया तो फिर तो कुछ मजा ही नहीं है जिंदगी का तो याद रखिए आज अगर इतनी लज्जत में जी गए खूब ठंडे ठंडे से जिंदगी गुजार ली तो फिर आप कैसे हो सकता है कि जो इंसान दुनिया में अल्लाह की नफरमानी के साथ जिंदगी गुजारी अपनी ख्वाहिशात की मनमानी जिंदगी गुजारे तो फिर आखिरत में तो बड़ी मुश्किल है ना अल्लाह इन हदीस के बारे में फजीलत इन आयात के बारे में फजीलत आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हैत को तहज के लिए उठते तो पढ़ते थे तो मैं और आप भी अल्लाह ताला से यहाँ बैठ के दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तहज की तौफीक अता कर दे तो जब आप उठते थे तो ये दुआ ये ये आयात पढ़ते थे आयत नंबर वन नाइन्टी से लेकर 200, 200 तक ना यानी इन नफीकल के समावती वाल अर्दी से लेकर आखिर सूरत के बाद यानी आखिरी जो उसकी आया थे वहाँ तक पढ़ते और उसके बाद फिर आप करते इसीलिए का आगे बताया जा रहा है अल्लादीना यसकरून अल्लाह क़याम व क़ुद व अला जुनूबिहिम वो लोग जो खड़े और बैठे और पहलुओं पर लेटे अल्लाह ताला को याद करते हैं मैं और आप सोचे यहाँ पे रुके क्या मैं खड़ी बैठे लेटे अल्लाह को याद करती हूँ और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर विक्र करते अगेन गौरव फिकर की दावत दी जा रही है और जब गौरव फिकर करते हैं तो फिर क्या कहते हैं हमारी रब तू ने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया बिल्कुल बेकार नहीं है बेमकसद नहीं बना इसका कोई एमलेस नहीं है बल्कि क्या फा? जब इंसान को जब समझ आता है कि ये बेमकसद नहीं बनाई गई जिंदगी ये दुनिया बेमकसद नहीं है इसके बाद इसका एक एंड रिजल्ट है और वो आखरत की सूरत में नजर आएगा तो इंसान घबराता है फौरन कहता है कहते सो हमें आग के अजाब से बचा ले अल्लाह आग के असाब से बचा ले याद रखिए इंसान जब उठते बैठते लेटते हुए हर हाल में अल्लाह को याद करता है उसकी याद से कभी गाफिल नहीं होता और इस कायनत पर गौर व फिकर करता है तो उसे यकीन तक पहुंच जाता है कि उसका कोई खालिक है जो कुदरत रखने वाला जो मुदबिर है और हिकमत वाला है अल्लाह तास कर देरी है देखिए कि उलुल अलबाब यानि अकल वालों के औसाफ बयान की है ना यानि जो अकल वाले उनके औसाफ़ बयान की इबन आबाद से रिवायत है कि नबी स वसल्लम जब रात में तहजद के लिए खड़े होते तो ये दुआ कहते ए अल्लाह मैं तेरे लिए मैं तेरी ही लिए तमाम तारीफ है आसमान और ज़मीन और उनमें मौजूद तमाम चीजों का नूर है तेरे लिए तमाम तारीफ है तो आसमान और ज़मीन और उनमें मौजूद तमाम चीजों का कायम करने वाला है और तेरे लिए तमाम तारीफ है तो हक है तेरा वादा हक है तेरा कौल हक है तुसे मिलना हक है जन्नत हक है दोजक़ हक है कयामत हक है अम्बिया हक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है एल्ला

एनी जैसे याद आता मैं आपको बताती हूँ शुरू कर तो ये कहने का मकसद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे जो खासकर आयत के अंदर मेंशन किया कि अकल वाले कौन है ना तो ये अकल वाले ही गौर फिक्र करते हैं इसी तरह अबू हुरैरा अबू हुरैरा रदी अल्लाह अनु सीदना अबू कुदरी रदी अल्लाह अनु से रिवायत है हाँ حجي جزاك الله خير اللهم لك الان انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق وبعدك الحق مقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق استرپوری انت قاتینا ولقاؤك حق یہ ساری انشاءاللہ اگر اپ اس کو یاد کر لیجئے اتنی خوبصورت شيكناه الحمد لله जी इनशा जजाक इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज के लिए उठते थे तो दुआ इस्तेफ़ता जिसको आप सना भी कहते हैं उसमें ये दुआ पढ़ते थे अल्लाह इनशाला इसी तरह देखिए रिवायत में आते अब हो रह रहा है और सीद नदी रवायत है नबी सर गवाही देते हुए कहा कि रसूल अल्लाह सरमाया जो कौम भी बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में मशगूल होती है फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह जल की रहमत ढांप लेती है और सकीनत तो उन पर नाजिल होती है और अल्लाह अपने पास वालों में उनका जिक्र करता है कौन है अल्लाह ताला के पास फरिश्ते है ना मुसलसल अल्लाह के हुक्म तो आप सोचिए आप यहाँ बैठ के अल्लाह के जिक्र में मशगूल है कैसे फरिश्ते घेर लें कैसे रहमत और सकीनत आपके दिल पर उतर रही है और कैसे आपका जिक्र कहाँ कुछ किया जा रहा है ना तो यहाँ पे बता दिया गया ना आसमान और ज़मीन की पैदाइश में जो लोग गौरव फिक्र करते हैं आप देखिए तो फिर अल्लाह ताला का जब जब वो गौरव फिक्र करेंगे और अल्लाह को याद करेंगे तो कैसे जैसे कहा जाए उनका जिक्र भी किस जैसे कहा जाए कहाँ कहाँ नहीं होगा ना तो यहाँ पे बताए इंसान कहना रबा लगता एक हमारे रब तू ने सब कुछ बेमकद नहीं पैदा किया ना ये बेमक़सद नहीं पैदा किए इंसान जब ज़मीन और आसमान की तख्लीक़ और उसकी हिमतों पर गौर करता है ना तो उसे अल्लाह की असमत उसकी रहमत उसकी रबूब उसकी कुदरत की पहचान नसीब होती है इंसान को जब अल्लाह रब्बुल फिक्र करते हैं, तो तो पा लेते हैं कि हमारा कोई रब है फिर वो उसको पुकार उठते हैं। और कहते है ए हमारे रब तूने ये सब कुछ फजूल बेमकस पैदा नहीं किया और फिर कहते हैं क्या तू हर ऐब से पाक है और हमें आग के अजाब से बचा ले नाद बनाने का मकसद क्या है इंसान का इम्तिहान लेना और इंसान का इम्तिहान क्या है वो ये कि वो में कामयाब होने के लिए भी देखिए यानी कामयाब होने वालों के लिए कभी खत्म ना होने वाले इनाम आते हैं है ना आप देखिए कि दुनिया में जब आप कामयाबी लेते हैं तो आपको कहाँ ले जाती है कामयाबियों की सीढ़ों पर ले जाती है ना या जो कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के इम्तिहान में जो लोग नाकाम होते हैं उनका अंजाम क्या है याद रखिये आज जब दुनिया के यानी जो ये दुनिया जो इम्तिहान के लिए मिली है तो ये इम्तिहान में अगर आज, आज आप कामयाब होंगे ना तो आपको हमेशा की इनाम मिले मिलेंगे हमेशा की जवानी हमेशा की सेहत जन्नत लाजवाल लेकिन आज में और आप इस दुनिया के इम्तिहान में नाकाम होगा जिस मकसद के लिए अल्लाह तुम मुझे और आपको दुनिया में भेजा की कायनत बनाने का मकसद

तो इंसान कहता है कि अल्लाह ताला मुझे आग के हिसाब से बचा रहे तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए जितना ज्यादा अल्लाह की मार्फत कायनात पर गौर फिक्र करके कर आप हासिल कर सकते हैं कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन इस जो ये जो जो सूरत सूरत है इस सूरत की जो एंड है लेकर वन टू हंड्रेड तक इसको इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि मजीद आपको अल्लाह का मिले और इंशाल्लाह मज़ीद अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला से एक मोहब्बत उसकी मार्फत उसकी किबरियाई का एहसास होना अल्लाह के नबी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो डरा वो भागा और जो भागा वो मंजिल को गया सुनो अल्लाह का माल बहुत महंगा है कब्रदार अल्लाह का माल जन्नत है इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जहन्नम से भागने वाले किसी शख्स को सोते नहीं देखा और ना ही जन्नत की की जन्नत के किसी ख्वाहिशमंद को सोते देखा तो आज अगर सो गए तो फिर बड़ा नुकसान है ना तो जाके जिंदगी गुजारनी जो वक्त मिला है उस मोहलत का फायदा उठाना है तो याद रखिये जब मैं और आप इस मोहलत का फायदा उठाएंगे और के साथ जिंदगी गुजारेंगे आजजी और जकसुई के साथ खुश के साथ अल्लाह की इबादत करेंगे तो फिर दिल की गहराई से मेरे और आग दिल से ये दुआ निकलेगी फ़किनार अजाब बनार अल्लाह तो हमें आग के अजाब से बचा लेंगे तो आज जागना है आज कोशिश करनी है ठीक है चलिए इनशाला थोड़ा सा आज की लंबी तफसीर इसलिए थी कि ये स्टार्टिंग थी तो

वन हाँ को आपने टू कौन अलफ में दिया है? ला आ या तिल। ला तिल या के बाद लाम आ रहा है तो आपको पता है ना मैलून। लाम उसमें से है तो इसका मतलब क्या है आप जो है तिन की आवाज नहीं निकालेंगे तील, लाम के साथ हिट कीजिए तो इसका मतलब है इदगाम है साउंड ऑफ द मर्ज लाम में ठीक है तो इसका मतलब पढ़ेंगे आपने इसको एक काउंट पढ़ना है और फिर ओलेल नाम पे आपने बाउंस नहीं करना है अल बैब बा को स्ट्रेच करिएगा टू काउंट यानी आपने इसको टू फोर सिक्स पढ़ सकते हैं तो फोर इसको एक अंदाजे से रख लीजिए अल बैब और बाप फिर आपने कला भी करना जसाक़ल्लाफैर फिक इंशाल्लाह अपनी जब आप करेंगे तो इन प्रिंसिपल का आपने ख्याल करना ठीक है फिक हम अपने ग्रामर की सेशन की तरफ मूव हो चाहते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारा ग्रामर का सेशन है आई नो बहुत सारी बहनों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन एनी आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर देगा हमने देखा था फाइल के कुछ फाइल और मफूल के इस्तेमाल के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो कि हम देख चुके थे फिर हमने देखा था इसम जाहिर और इसम जमीर को देख लिया था यानी जो नाउन है और जो प्रोनाउन है उनको देख लिया था राइट अब हम इनशाला कहा पर करेंगे ये हमने कर लिया था ना इसम जाहिर जी अच्छा यहाँ से पढ़ना हाँ अरबी में तर्जुमा कर तो ये तो हम कर चुके थे या मुझे याद पड़ रहा है अब आप देखते हैं कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं वैसे तो आपके सामने मौजूद है अलहमदल थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ चले इससे पहले वाले पेज पर आ जाए ताकि पिछला हल्का सा रिवाज, रिवाज हो जाए इसम और इसमीर इसम जाहिर का मतलब क्या है नाउन यानी अगर आपका फाइल नाउन की शक्ल में है या फिर प्रोनाउन की शक्ल में जैसे आपके पास एग्जाम्पल आ रही है सबसे पहले जब हम आ, जब हम वर्ब को देखते हैं सीक्वेंस जमला फेलिया देखते हैं वर्बल सेंटेंसेस देखते हैं तो उसमें बिगनिंग किससे होती है या जो तो की स्टार्टिंग अमूमन जो एक स्टाइल है पहले वर्ब ठीक है देन उसके बाद डुअर ऑफ एक्शन फाइल एंड देन मफूल जिस पर आप ऑब्जेक्ट है जो जिस पर काम वाक हो रहा है तो अब आपको पता है हामिद नहीं मेरी मदद की अब आप सो सोचे काम काम क्या है मदद न सारा और किसकी मदद की है मेरी तो याद रखिए नसारानी उसने मदद की मेरी लेकिन अब हमें पे डोर ऑफ एक्शन बताया जा रहा है कि हामिद हामिद ने हामेद ने तो हम कहेंगे न सारानी हामिद वैसे तो तरतीब ऐसी होनी चाहिए थी न सरा हामिद और फिर नी लेकिन आपको पता है कि जब मफौल ऑब्जेक्ट जो है किसी प्रोनाउन की फॉर्म में आता है तो फिर वो वर्ब के साथ अटैच हो जाता है वर्ब के साथ अटैच हो जाता है फिर सीक्वेंस बदल जाता है कि पहले आपका वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन उसका फाइ डोर ऑफ एक्शन ठीक है तो नसारानी मदद की मेरी किसने हामिद हामिद ने ठीक है मैंने हामिद की मदद की अल्लाह अकबर ठीक है मैंने हामिद की मदद की अब मैं मदद कर रही हूँ ठीक है तो अब देखिए कि मैं मदद करने वाली हूँ तो अब आपका जो फाइल है वो किस में आ रहा है वो प्रना की शक्ल में आ रहा है मैंने मदद की ना किसी का नाम तो नहीं आ रहा कि हामिद ने मदद की मैंने मैं मैं, मैं अगर जैसे अगर किसी का नाम आसमा है या आ, आलिया है या जो भी नाम है तो अब आप कहते हैं ना आसमा आई फिर आप ये तो नहीं कहते आसमा ने खाया आसमा ने पिया हम कहते उसने खाया उसने पिया वो गई तो ये सारे क्या है प्रना इस्तेमाल की जाती है ना उसकी जगह तो सेम अब मैंने मदद मैंने मदद की तो अब मैं मदद करने वाले नसार नसारा नसार नसरा नसरू उसमें से आप वाहिद मुतकलिम के सीखे पे आ जाइए नसर तो मैंने मदद किसकी मदद की है हामिद हामिद की तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हामिद और कुल्लू मफ़ूल जितने भी मफ़ूल होते हैं वो क्या होते हैं मनसूब नसबी हालत में होते हैं ठीक है तो आप कहेंगे नसर तो हामिदन नसर तो हामिदन ठीक है उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी हामिद के बड़े लड़के ने जैद के छोटे लड़के की मदद की बहुत आसान है हुं? अब देखिए थोड़ा सा इसको ब्रेक कीजिए मदद पहले लेकर आइए ना सारा मदद का हो गया किसने मदद की हामिद के बड़े लड़के ने ठीक है नी से पता चल रहा है कि इसका फाइल है लेकिन जो फाइल आया है वो मुदाफ मुदाफिल की शक्ल में आया है ठीक है तो वालदू किसका वलद है बड़े लड़का वालद किसका है हामिद का वामि हामिद हामिद कबीरू ठीक है तो अब आप देखिए अल हामिद अब आप देखिए कि वलदु और कबीर दोनों का इराब सेम है दोनों हालत रफा में है ना तो इसका मतलब है मुदाफ की सिफत आ रही है वलद की सिफत आ रही है वलद की क्वालिटीज आ रही है अलकबीर और हामिद क्या है है या पढ़ चुके हैं ना वलु मुदाव ये, ये फाइल है वह हुआ मुदाफ हामिद मुदाफिल और अलकबीर वलद की सिफत

सगीर जो है वलद की सिफत आ गई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तो ये आपने इसी तरह बस करना है नेक्स्ट पे आ जाइए इनशाला अब यहाँ पे एक और बताया जा रहा है ये भी मिसाइल है आपने थोड़ा सा गौर व फिकर करना है तो कर लेंगे ठीक है मुसलमानों ने गाय को जबा किया और उसका गोश्त खाया हम तो करेंगे इनशाला जब आपकी बस बकर आएगी आई मीन ईद उल आएगी तो आप करेंगे ना गाय को जबा भी करेंगे गोश्त भी खाएंगे तो बस आपने फिर अलहमदल्ला अगर आपने करना है तो आप अपना मैंशन कर दिया मुसलमानों ने करना है तो मुसलमानों का क्या सबसे पहले देखिए गाय को जब

चलिए अब आ जाइए दो चोर घर तो आप कहेंगे जाभी, जाभी फेल है अल अलमुसलिमुना फाइल अल आप कहेंगे कि मफूुल है ठीक है वह अकल अकल उसे कहा जाए इसका फेल और फाइल इसी के अंदर है अकल फेल है वह उसका फाइल है जो कि हम जमीर है और लह ये इसका मफूल है और हा मद, ये मफूल के अलावा मुदाफ भी बन रहा है और मुदाफ मुदाफिलई भी, भी ठीक है दो चोर घर में दाखिल हुए और उन्होंने माल चोराया अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है दाखिल होना ठीक है दाखिल हुए दाखिला कौन दाखिल हुए दो चोर सारे कुन का बटाता चोर के लिए एक के लिए सारे कानी तस्निया दो चोर दाखिल हुए ना कहाँ दाखिल हुए घर में फिल बी दाखला सारे कानी फिल बैती सारे कुन वाहिद के लिए आता है चोर के लिए और अगर दो चोर है तो सारे, कुन, सारे, कन, सारे कन सारे कन सारे कानी कैनी कैनी सारे कूना कना ये मैं बहुत दफा आपको करवा चुकी हूँ तो आप कहेंगे कि द दाखिल सारे कानी दाखिल हुए दो चोर फिल बैती घर में और क्या उन्होंने माल चुराया चुराया अगेन सारा का उन्होंने अब आपको पता है कि दो दाखिल हुए ना तो अब आपको क्या अब आपको सारा सारा कानी आना था ना लेकिन आपको पता है कि चुराया उन उन दोनों ने माल चुराया ना तो माल जो है ऑब्जेक्ट है ना तो अब आपको पता जो सारा कल माली दोनों तो इसमें असल में सारा कानी था लेकिन नून जो है जब आ�

इसम जमीर में वो पहले आपको फाइल और मफूल दोनों जाहिर थे वर्ड इसके अंदर फाइल था जो कि नाउन की शक्ल में था और मूसा भी जिसे कहा जाए जो जो कि कि ऑब्जेक्ट था नाउन की शक्ल में था अब अगर आपके पास आ जाए दोनों जमीर की फॉर्म में यानी जो डूअर ऑफ एक्शन है एंड ऑब्जेक्ट दोनों अगर जमीर की फॉर्म में आते हैं तो अब आप क्या कहेंगे इसको कहें, कैसे देखेंगे बैसा हूँ फिर हम्म ऐसा उसने भेजा हूँ उसे इला फिर फिराउन की

हुँ? उसने भेजा उसे या उसको फिर तरफ अल्लाह कितनी खूबसूरत अरबी है ना आपने सिर्फ इतना कि, फिर फिरौन तरफ ठीक है अब अगर आपके पास आ रहा अगर है अगर फाइल ऐसे मुजाहिर है वो नाउन की शक्ल में लेकिन मफूल जो है वो प्रोनाउन की शक्ल में तो फिर कैसे होगा अब आपको पता है कि फिर चेंज हो जाएगी पहले फेल फाइल मफूल आता था ना लेकिन अब क्या होगा पहले फेल एंड देन मफूल पहले आएगा क्यों क्योंकि मफूल जो है वो जमीर की फॉर्म में आ रहा है तो वो फिर फेल के साथ अटैच होकर आ जाएगा इला भेजा उसे अल्लाह अल्लाह ने क्योंकि फाइल मरफून और वर्ड अल्लाह के ऊपर जिसे कहा जाकर देखे तो दम्मा की दन, दन, दम्मा आ रहा है ना तो ये फाइल है भेजा भी, उसे अल्लाह तला ने इला फेराउन फिराउन की तरफ अब अगर फाइल

ठीक है कौन है अल्लाह ताला अल्ला ताला अल्लाह की तरफ जा रही है बासा के अंदर जमीर की फॉर्म में है जो कि हुआ है तो उम्मीद है जो सारे आपने क्लास में पढ़े थे वो सारे प्रिंसिपल आपको इनायात के अंदर इम्प्लीमेंट करवा दिए गए ठीक है अलहमदुल्ला चलिए थोड़ा सा इनशाला देख लीजिए जुमला इसमें यानी जो नॉमिनल सेंटेंसेज होते हैं और जुमला जो जुमला फेलिया जो कि वर्बल सेंटेंसेस होते हैं उसका जुमला फेलिया के अंदर देखिए फेल पहले आता है फिर फाइल और फिर मफूल फता ठीक है जैद ने दोनों दरवाजे खोले फता खोला ने आपने पढ़ा ना अल अल अलबाबू अलबाबा अलबाबी अलबाबानी बैनी बैनी तो ये अलबा ये दोनों दरवाजे ही बैनी ठीक है ना तो आप कहेंगे जैद ने दोनों दरवाजे खोले ठीक है अब अगर अगर ये जुमला इसमिया होता तो क्या होता पहले इसम आता राइट और फिर जिसे कहा जाए इसकी खबर आती ना यानी जुमला इस्मिया के दो पोस्ट है। आपको याद है मुबतदा और फिर खबर प्रेडिकेट एंड देन उसकी जो है वो उसकी जो खबर आएगी ना तो अब आप देखिए अब उसमें क्या होगा पहले आप असमा को लेके आइए जैद जैद क्या कहेंगे आप कहेंगे ये मुबतदा है और फतेह जुमला फेलिया बनकर उसकी खबर है फता खोला अलबाबीनी दो दरवाजे तो जैद ने दो दरवाजे खोले ठीक है ना अल्हमद अगर आप उर्दू में देखें जुमला फेलिया और जुमला इसमिया दोनों का ट्रांसलेशन एक है मगर अरबी जबान के एतबार से उसमें थोड़ा सा फर्क है इनशाला सिस्टर मदीहा कोई बात नहीं आप ना पिछली रिकॉर्डिंग सुन लीजिए हमने असमां को पूरा कवर करवा दिया है और अब हम अफाल की तरफ गए वर्ब की तरफ गए और ये चीजें मैंने बहुत दफा जो मैंने शुरू से है ना तो उनको उनको तो समझ आ रहा होगा लेकिन अगर किसी वजह से किसी को समझ नहीं आ रहा तो इनशाला आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिए इनशा एवरी ट्यूजडे नाइन से लेकर चैन हमारी ये क्लास होती है और आप रिकॉर्डिंग से बहुत फायदा ले सकते हैं लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मैसेज कर लीजिए इनशाला तो इनशाला आपको वो चीज समझा दी जाएगी मगर सीख लें इनशाला ना माँ फला जैद ठीक है जैद ने क्या किया माँ जो है इस्तेफामिया के लिए आता है ना मैंने अपने आ भी पढ़ा था माँ भी पढ़ा था याद है माँ क्या फला किया जैद जैद ने जैद ने क्या किया जाना किसने दोनो दरवाजे खोले जवाब है जईद फता ने दो दरवाजे खोले तो पहला जवाब इस सवाल के जवाब में है कि जैद ने क्या किया और दूसरा जवाब इस सवाल के जवाब में है कि किसने दोनों दरवाजे खोले लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे कि अगर जैसे अगर सवाल आ रहा है माँ के साथ तो देखिए आप दोनों के अंदर वही पूछा जा रहा है लेकिन आप देखिए ने क्या किया और किसने दोनों दरवाजे खोले तो जैद ने दोनों दरवाजे खोले और उसमें भी देखिए ने क्या किया तो जैद ने दरवाजे दोनों खोले सुबह लेकिन तरतीब फर का फर्क आ गया ना तो कहने का मकसद है कि जब जुमला इसमिया होगा यानी नॉमिनल होगी तो इसम से शुरू होगा यानी नाउन पहले आ जाएगा और अगर जुमला फेलिया है तो फिर आपको पता है और अगर जुमला फेलियर है तो फिर आपकी कैसे तरतीब होगी पहले फेल यानी आपका वर्ब एंड ऑफ एक्शन आपका मफूल यानी ऑब्जेक्ट आएगा ठीक है अलहमदुल्ला अब आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बस यहीं पे इंशाल्लाह रखूंगी मैं ये वाला पेज बता दूं तो जुमला फेलिया जुमला फेलिया को इसमिया में तब्दील करना ठीक है जुमला फेलिया में फाइल हमेशा फेल के बाद आता है हमेशा फाइल फेल के बाद आता है अगर फाइल फेल से पहले आ जाए तो वो जुमला इसमिया बन जाता है अब देखिए देखिये खला अर्दा का अब, अब आप सब देखिए नोट्स को नहीं देखिए बस जुमले को सुनिए अल्लाह खाला का क्या

पैदा किया किसने अल्लाह अल्लाह ने किसको पैदा किया अल अरुदा जमीन को जमीन को ना तो आपने कहा ये फेल है खालका वर्ड अल्लाह इसका फाइल है डूअर ऑफ द एक्शन अल अरुदा मफूल भी ही है ठीक है अब आपको अगर आपको जुमला इसमिया बनाना है तो आप क्या करेंगे आप इसम को पहले ले आए अल्लाह अब आप क्या कहेंगे अल्लाह अर्दा। तो अब आप कहेंगे अब जुमला इसमी है कि टू कॉम्पोनेंट है एक है मुबतदा और दूसरी खबर है तो अब आप कहेंगे चूंकि इसम से शुरू हो रहा है तो वर्ड अल्लाह इसका मुबतदा बन जाएगा इस खला जुमला फेलिया बनकर इसकी खबर रही है खलाका ये फेल है और इसका फाइल जिसे कहा हुआ है अल अर्दा ये इसकी जिसे कहा मफूली भी ही है तो आप कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया अल अर्द जमीन को अलहमदुल्ल तो आप देखिए कि जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में तब्दील करने से फाइल पर जोर देना और उसे नुमाया करना होता है ये बहुत अहम बात है याद रखिये जब आप जुमला फेलिया को जुमला इसमिया में तब्दील करते हैं तो इससे फाइल में जोर पैदा हो जाता है ना और वो बात नुमाया हो जाती है जैसे मैं आपसे कहती हूँ ना पता चल जाएगा अक्सर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ लग पता जाएगा तो थोड़ा, थोड़ा डिफरेंट आ जाता है ना पता चलेगा लग पता जाएगा तो ये अल्फाज को आगे पीछे करने से बात के अंदर एक जोर एक स्ट्रेस एक एम्फेसाइज पैदा एम्फेसिस पैदा हो जाते हैं तो जब वर्ड अल्लाह को पहले लेकर आएंगे तो बात के अंदर एक जोर पैदा हो गया नुमाया हो गया कि अल्लाह अल्लाह ने पैदा किया जमीन को हम्म अलहमदल्ला इसी तरह जुमला फेलिया में जैसे आता है खलक अल्लाह अल्लाह तब्दील करने से लफ्ज़ अल्लाह पर जोर देना मकसूद आप देखिए जुमला फेलिया से जैसे आपने जुमला में था ना अंत फालता हाजा बी आल हतीना या इब्राहिम आप देखिये लफ्ज़ अंता पे जोर देना मकसूद है आंता क्या आप क्या तू ने तू तूने क्या था हाजा ये बी बे बी बी आल लिह हतीना हमारे इलाह

पे आपने गौर फिकर करना है आज की जो आयात थी अल्हम्दुलिल्लाह आपने थोड़ा सा एक दो में अंदर से, से आपको बता दूं कि आपने इसको प्रैक्टिस करनी है इनशाजी ठीक है ना और आपने जो जिस नंबर हमारा, वो की आयात ना तो इसमें बस इन थोड़ा सा गौर विक्र करना है इन्ना फिकर के समब पढ़ चुके हैं इन्ना अन्ना का अन्ना लई तला ये सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ अगर आपको याद है ना तो आपने थोड़ा सा क्या करना है गौरव फिकर करना आपका असमां के अंदर आता है ना तो आपने इनशाला को कोशिश करके उस पर गौर विक्र करना है भाई क्या जंबा कौन सा जम्बा मैंने देखा है नहीं हमसा हमसा जी सवाल के लिए आए ना हमसा सवाल के लिए आए थे ना हमसा जो है वो सवाल के लिए सिस्टर आया है ना ना आपने पढ़ा था ना, अस, आ, जिसे कहा जाए हर सवाल के लिए आता है आ या माँ भी आता है ठीक मा, है माँ मस का तेरा नाम क्या है ठीक है इनशाला चलिए थोड़ा सा इंशाल्लाह इन आयात को देख लेते हैं जी इंशाल्लाह एक सेकंड मैं आयात को सामने खोल लूं ताकि आपके सामने इंशाल्लाह सामने रहे थोड़ा सा चलिए इन्ना फी इन्ना का मतलब क्या देखे इन्ना की वजह से इन्ना जो में से है ना तो आपने थोड़ा सा इसको गौरव फिक्र करना है कि इन्ना के बाद फी समावाती वल अर्दे वैसे तो इन्ना का ये इसम जिसे कहा जाए आप इसको इसम कह, कह, कह कहेंगे लेकिन फी की वजह से ये मजरूर हो गया आपको पता है ना फी क्या है हरूफ जारा में से है ना आप सबको पता है तो हरूफ जारा की वजह से क्या हो गया ये मजरूर हो गया तो आप ये कहेंगे

उसके बाद देखिए जार मजर है और फिर मुदाफ मुदाफ लीक है ठीक है है वक्त वक्त इलाफी इलाफी अब ये ये जो है जिसे कहा था अभी आपने नहीं पढ़ा है वक्त इलाफी जैसे होता है ना बाहरी गुफ्तगु में जैसे आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तु करना ना झगड़े के लिए भी आता है इख्तलाफ मस्तर है याद रखिये ना अलहमदुल्ला तो इख्तलाफ किसे कहेंगे यानी ये बेसिकली यहाँ पे आ, 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 मस्तर के तौर पर

अतफ की से सारी आगे से मजरूर होती जा रही है, ला ला लाम जो है का उसी की वजह से यह मजरूर है लेकिन नाम जो है वो ताकि का है ना अतिन ये बेसिकली ये जब लाम लगता है तो ये ताकिद के लिए आता है, इसका मतलब होता है यकीन निशानियाबत्ता निशानिया किसके लिए अलबा मिली जो हर पे जा रहा है

رحمهما كما ربياني صغيرا رب رحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره جزاك الله خير بارك الله فيك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك